वैसे शिवानी जी एक बात है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, आप दिन पे दिन और सुंदर होते जा रहे हो। क्यों करिश्मा जी? तुम्हारी बड़ी नजर है शिवानी जी पर। हाँ करिश्मा जी, बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे आप कौन सी क्रीम लगा रही हो? करिश्मा जी तो डव की लगाती है। महिला की देखता हूँ। मेरा लाल है। अबे ओए, तू ना मेरे को आजकल ज्यादा परेशान करने लग गया है। 4 बजे ताली बजा के कौन उठाता है? हाँ तो मेरे पापा ने पैसे खर्च किए, मैं तो तुझे चलाऊंगा। हाँ पैसे लगाए तो टाइम से खेला करना, ऐसे थोड़ी ना पूरा दिन परेशान करेगा मेरे को। हाँ मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है, मैं तो तुझे कभी भी चलाऊंगा। पापा पापा, मेरे को ये वाला खिलौना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, जाते वक्त तेरे को यही खिलौना दिलाऊंगा। नहीं पापा, मेरे को यही चाहिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, जिद मत करो, जब जाओगे ना तब इसी खिलौने को लेते हुए जाना, वैसे भी इसके साथ बहुत खेल चुका है। अरे नहीं नहीं करिश्मा जी, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। अरे शिवानी जी कैसी बात कर रही हो, हमारे घर में खिलौना रखा है तो आप ले जाना, ये आप ही का तो है। मैं मम्मी, मैं नहीं दूंगा इसे अपना खिलौना। क्यों नहीं देगा मेरे को खिलौना? क्योंकि ये मेरा खिलौना है, मेरा सबसे प्यारा खिलौना, मैं नहीं दूंगा तुझे। मैं तो लेके जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएगा, मैंने तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो जी बेटा बेटा शांत हो जाओ, ऐसे आपस में थोड़ी लड़ते, अब हमारे रिश्तेदार हैं बेटा, थोड़ा तो शर्म करना, ले जाने दे इसको खिलौना। मैं नहीं ले जाने दूंगा पापा इसे अपना खिलौना। अबे क्या चबर चबर लगा रखी है, तब से लड़ाई जा रहे हो, कम से कम मेरे से तो पूछ लो जिसको जाना है किसके साथ मेरे को रहना है। हाँ ये मेरा खिलौना है ना, तो हम इससे पूछ लेते हैं, तुझे मेरे साथ रहना है ना? हाँ मुझे पता है तुझे मेरे साथ ही रहना है ना, है ना? क्यों रहूं मैं तेरे साथ? कभी तूने मेरे को टाइम पे चार्ज किया है? कभी मेरे को सोने दिया है आराम से? जब देखो परेशान करता रहता है, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। तू क्या करेगा? मैं तेरे साथ फालतू खेलूंगा ही नहीं, जब तू बोलेगा तभी खेलूंगा, तेरे को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। पक्का? पक्का। अबे ओए, मैं ना तेरे अंदर नई 1.5 वोल्ट की बैटरी डलवा दूंगा। बैटरी? वो भी नहीं। हाँ पक्का पक्का। ठीक है मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे को पूरा मॉडिफाई करवा दूंगा। मैं तेरे अंदर नई लिप लिप वाली लाइट लगाऊंगा, लाल नीली वो बत्ती नहीं जलती वाली। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो इसको मैं लेके ही जाऊंगा। अरे रुक जा। अरे अरे बेटा, अरे रुको, अरे अबे मर के छोड़ो, अबे तोड़ोगे क्या? अबे ये क्या कर रहे हो? अबे ऐसे खींचना बंद करो, मैं टूट जाऊंगा। मेरा खिलौना है। अरे बेटा बेटा छोड़ दे, बेटा मेरे रिश्तेदार है। पापा ये मेरा खिलौना है। मेरा है, मेरा। अबे आराम से एक बंदा रख लो मेरे को, मैं टूट जाऊंगा। मेरा। अरे बेटा छोड़ दे। बेटा ये खिलौना तो टूट गया, तो दूर हो जा। बेटा तो रो मत, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटा रहने दे, हमारे रिश्तेदार है बेटा, हाथ नहीं चलाते बेटा, ऐसे नहीं बेटा, कोई नहीं। अरे बेटा तू रो मत, तेरा पाप है ना, पाप बात करेगा। अरे बेटा रुक जा। अरे भाई साहब आप एक बात बताओ, आपके लड़के ने मेरे लड़के की गाड़ी तोड़ दी, अब ऐसे कोई तरीका होता है? अब आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप ही बताओ शिवानी जी, माना आप सुंदर हो लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ना। क्यों करिश्मा जी? अरे भाई साहब किस बात के पैसे, मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। अभी तो करिश्मा जी ने बड़े प्यार से बोला था कि जाओ बेटा ले जाओ हमारी गाड़ी, और अब ऐसे कर रहे हैं, कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले हम। मैंने तो ऐसे ही बोला था, तो तुम क्या सच में ले जाओगे? हमने तो आपकी इज्जत रखने के लिए कहा कि हमारी गाड़ी लेके चले जाओ, ये कोई तरीका होता है? अरे बेटा ऐसे मारते ऐसे लोगों को? मेरे बेटे को मारा, तुमने तो ये धंधा बना लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? करिश्मा जी मेरे पे हाथ उठा रहे हो, करिश्मा जी। ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई खत्म होगी और फिर मुझे कचरे में फेंक देंगे। अबे मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। अरे भाई आराम से खेलना, तोड़ेगा क्या? आराम से खेल रहा हूँ।
देखा भाई कितनी मस्त रिमोट कंट्रोल कार है। और हाँ मेरे पास तो ऐसे ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं, वो देखो। सुमित सुमित तेरे पास तो इतने सारे खिलौने हैं, एक खिलौना मुझे दे देना खेलने के लिए। क्या? नहीं मैं तुझे कोई खिलौना नहीं दूंगा। क्यों? मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। हाँ दोस्त है, पर अगर तेरे से खेलते वक्त एक भी खिलौना टूट गया तो तेरा तो घर बिकने के बाद भी उसके पैसे पूरे नहीं होंगे। नहीं नहीं भाई मैं तेरा कोई भी खिलौना नहीं तोड़ूंगा, मम्मी कसम। नहीं नहीं भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं तेरे को खिलौने नहीं दूंगा। सुमित सुमित क्या मैं उन खिलौनों के साथ खेल सकती हूँ? हाँ करिश्मा तुम तो मेरी दोस्त हो, उनमें से जो खिलौना तुम्हें पसंद आए तुम उसके साथ खेल सकती हो, अगर तुम्हें ज्यादा ही पसंद आते तो घर भी ले जाना। देखा तुमने हमारा मालिक कितना बेकार है, उस लड़के ने खेलने के लिए कहा हमारे साथ तो कितनी जल्दी मना कर दिया, कह ना ना ना, और उस लड़की ने कहा देखो कितनी जल्दी हाँ कर दिया, जा जा खेल ले खेल ले। तो इसमें तो हमारा ही फायदा है ना, लड़का खेलेगा तो तोड़ देगा मरोड़ देगा, ध्यान से नहीं खेलते लड़के बिल्कुल। लड़की खेलेगी बड़े प्यार से खेलेगी हमारे साथ और अच्छे से रखेगी बिल्कुल। सही रहा है वैसे। तुम में से किसके साथ खेलूं? तुम्हारे साथ ये तुम्हारे साथ ये तुम्हारे साथ। आपने मेरे साथ खेलो, मेरे साथ मैंने बहुत अच्छे से खेलता हूँ। चुप रह, ये ना मेरे साथ खेलेगी। अरे नहीं नहीं आप इनकी बात छोड़ो, आप मेरे साथ खेलो। अरे नहीं तुम ना मेरे साथ खेलो, देखो मैं ना पिंक कलर की भी हूँ और एक लड़की भी हूँ। नहीं नहीं आपने मेरे साथ खेलो। नहीं ये मेरे साथ खेलेगी मैंने बोला ना। नहीं नहीं मेरे साथ खेलो ना, मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ। ये तुम सब गलत कर रहे हो, ये मेरे साथ खेलेगी मैं तो जा रहा हूँ। नहीं नहीं ये मेरे साथ खेलेगी क्योंकि ये एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ, मैं तो चली। नहीं नहीं मेरे साथ खेलेगी ये तो, मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ खेलेगी ये, ये मेरे साथ खेलेगी, मैं चला। नहीं नहीं मैं चला, मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ खेलेगी, मैं जा रहा हूँ मेरे साथ खेलेगी। भाई तूने उसे तो दे दिया खिलौना, मुझे क्यों नहीं दिया? हाँ तो वो तो लड़की है ना, तो मैं भी तो लड़का हूँ। लड़का है तो अपने पैसों से खरीद। पैसे ही नहीं है। तो मतलब तुझे खिलौना चाहिए खेलने के लिए? हाँ 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 चाहिए चाहिए। देख इतनी गर्मी हो रही है, जा नीचे से तू पानी की बोतल लेके आ, फिर मैं तेरे को एक खिलौना दे दूंगा खेलने के लिए। पर तू पक्का खिलौना देगा ना मुझे? हाँ हाँ पक्का दूंगा। पक्का? हाँ। ये ले पानी, लाभ देख खिलौना मुझे। खिलौना चाहिए? तो एक काम कर चल पहले पाँव दबा। ओए माँ। अब दूसरा काम पाँव दबा। नहीं दबाएगा? दबा रहा हूँ ना दबा रहा हूँ, मुझे तो खिलौना चाहिए ना खेलने के लिए, मैं पाँव भी दबाऊंगा, दबा रहा हूँ पाँव। वैसे कौन सा खिलौना चाहिए ये? हाँ 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 भाई तू खेल लेगा इसके साथ? नहीं ये तो मना कर रहा है। भाई तू कोई दूसरा खिलौना दे दियो फिर। अच्छा ठीक है चल तू पाँव दबा। भाई दब गए पाँव, अब देना मुझे मेरा खिलौना। चल ठीक है वो देख वो कितने सारे खिलौने हैं, उनमें से किसी एक के साथ खेल ले जा। और हाँ सुन इधर आ, जाते वक्त घर में पोंछा और झाड़ू करके जाएगा ठीक है? नहीं करेगा? नहीं करूंगा ना, झाड़ू पोछा टीवी वीवी सब साफ कर दूंगा, फ्रिज में पानी की बोतल ही भर के रख दूंगा। हाँ ठीक है तो खेल ले जाके। हाँ खेल के मस्त मुर्गा फंसा है। मैं किसके साथ खेलूं, किसके साथ खेलूं, किसके साथ खेलूं, किसके साथ खेलूं? हाँ ये गुड़िया अच्छी लग रही है, एक काम करता हूँ इसके साथ खेलता हूँ, आजा खेलते हैं। नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मैं बस इसके साथ खेलूंगी क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इसने तो मना कर दिया मुझे, अब क्या करूँ? हाँ एक ट्रैक्टर अच्छा लग रहा है, एक काम करता हूँ इस ट्रैक्टर के साथ खेलता हूँ, आजा ट्रैक्टर खेलते हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तुम सब खिलौने तोड़ देते हो। ओए माँ। ये ट्रैक्टर भी मना कर रहा है। हाँ एक काम करता हूँ इस ट्रक के साथ खेलता हूँ, आजा ट्रक तू आजा। ओ, दूर हो जा मैं नहीं खेलना तेरे साथ। क्रिल तू आजा हट बे, मैं क्यों खेलूं तेरे साथ? ओ ऐसे कैसे नहीं खेलोगे मेरे साथ, मैंने इतना सारा काम किया है, उसके पैर दबाए उसके लिए नीचे से पानी लेके आया हूँ, तुम्हें तो मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं खेलोगे, रुक जाओ तुम्हें तो मैं बताता हूँ। नहीं नहीं मेरे को नहीं खेलना तेरे साथ, तू मुझे तोड़ देगा। नहीं अबे ओए
तूने मेरा इतना महंगा खिलौना तोड़ दिया, उसको तो मैं बताता हूँ। रुक भाई, मुझे माफ कर दे। और भाई इतना रेडी शेडी क्यों हो रहा है, कहाँ की तैयारी है आज? भाई तुम लोगों को नहीं पता, आज हमारे स्टोर पे एक बहुत अमीर खानदान की लड़की आने वाली है। और पता है वो जब भी आती है ना बहुत सारे खिलौने लेके जाती है, तो इस बार मैं चाहता हूँ कि उसको मैं पसंद आऊँ और वो मुझे लेके जाए। भाई तू सच कह रहा है क्या? भाई तो एक काम करते हैं, हम भी सारे जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, क्या पता वो लड़की हमें भी ले जाए पसंद करके। हाँ भाई सही कह रहा है, एक काम करो तुम सारे के सारे रेडी हो जाओ, क्योंकि क्या पता उसे हम सब पसंद आ जाए और वो हम सबको एक साथ अपने घर ले जाए, फिर हम एक ही घर में रहेंगे मिलजुल के। हाँ भाई हम सारे मिलजुल के रहेंगे, एक ही साथ खेलेंगे। हाँ भाई पिछले 2-3 साल से ऐसे ही इस दुकान पे पड़े हैं, हमें कोई नहीं लेके जाता, जो भी आता है ऐसे ही कुछ और खरीद के चला जाता है। भाई तू छोड़ना ये सब बातें, अब एक काम करते हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। हेलो, मैं हूँ ट्रक, और जब आप घर घर खेलोगी ना तो मैं आपके बहुत काम आऊंगा नया घर बनाने में। मेरा घर तो पहले से बना हुआ है, मुझे नहीं बनाना कोई घर। हेलो मैडम, मैं हूँ ट्रैक्टर, और मैं आपके खेत जोतने के बहुत काम आऊंगा, अच्छी अच्छी फसलें उगेंगी, और मैं तो आवाज भी निकाल सकता हूँ, आपको निकाल के दिखाऊं। अरे बस बस, मुझे नहीं लेना तुम्हें, और मुझे नहीं करनी कोई खेती वेती, बकवास। अरे मैडम ले जाओ ना। हेलो मैडम, मैं हूँ वीडियो गेम, और मेरे अंदर बहुत सारे गेम है, मैं आपका पूरे दिन टाइम पास करवाऊंगा। टाइम पास? मुझे तो ऐसा लगता है तुम तो मेरा टाइम वेस्ट करा दोगे, मुझे नहीं चाहिए। हेलो मैडम। चुप हो जा तू, जेसीबी तुम चाहे जैसे भी हो, तुम्हारी शक्ल ही गंदी है। हाय मैडम, मैं को देखो, मैं फोन वो भी पिंक कलर का, और मैं कोई ऐसा वैसा फोन नहीं हूँ, मेरे अंदर गाने भी बजते हैं। चल चाहिए चाहिए चाहिए, देखा देखा अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे तुम फिर भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही से इतना अच्छा फोन है, आईफोन। वाह कितनी प्यारी बारबी डॉल है, कितनी सुंदर है, इसे तो मैं अपने घर लेके जाऊंगी। चलो देखा, आज फिर हम सारे रिजेक्ट हो गए। हाँ भाई। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? ये सब उस मालिक की वजह से हो रहा है, वो हमें साफ सुथरा नहीं रख रहा, अगर हमें वो साफ रखेगा चमका के रखेगा तो हम किसी को भी पसंद आ जाएंगे। हाँ भाई तू ना बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो चलो फिर उस मालिक के पास चलते हैं। हाँ हमें हमारा हक चाहिए, चलो चलो चलो। मालिक हमें हमारा हक चाहिए। हक? कैसा हक? मालिक आप दुकान में हमें पीछे फेंक देते हो, हम पे धूल मिट्टी पड़ती रहती है, हमें आप साफ भी नहीं करते। हाँ और उसी वजह से हम बिक नहीं पाते, और आप उस गुड़िया को आगे साफ सुथरा करके खड़ी कर देते हो वो बिक जाती है, तो हमें भी हमारा हक चाहिए, हमें साफ सुथरा करके आगे खड़ा करो ताकि हम बिक जाए। हाँ मालिक। अच्छा तो तुम्हें तुम्हारा हक चाहिए। हाँ क्योंकि तुम बिक नहीं रहे है ना, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? ठीक है एक मिनट रुको, अभी मिलेगा तुम्हें तुम्हारा हक। छोटू देखा मैंने कहा था ना मालिक बहुत अच्छे हैं, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। जरा इन्हें गोदाम में डाल दिया, इन सबको दिवाली की सेल पे बेचेंगे, वैसे तो बिक नहीं रहे तो जब भी बेच सकते हैं तो है ना, वो भी सस्ते दामों पर। मालिक सेल बाय बाय, चलो 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 चलो। ओए ये पता तू क्या क्या कर सकता है? मैं ना लोगों को बहुत अच्छा पागल बना सकता हूँ। मेरे दोस्तों को बना देगा? हाँ बिल्कुल बना दूंगा। फिर तो सही है यार तू, फिर तो हम दोनों खेलेंगे साथ में, ठीक है आज ही, और आज आज क्या पूरी जिंदगी में तेरे साथ ही खेलूंगा अगर तूने ऐसा कर दिया तो। ठीक है चल तो फिर फ्रेंड फ्रेंड्स। तू तो मेरे को अच्छा लगा, काफी अच्छा। मेरे को भी तो अच्छा लगा। सुमित बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, नया खिलौना। मम्मी नया खिलौना? वो भी जेसीबी?
थैंक यू मम्मी। ठीक है बेटा, इसके साथ खेल लो। आ जाओ मिलके खेलते हैं। पहले उसे भगा। चलो तू निकल। आज क्या है, खिलौने के ऊपर मुझे भगाएगा? तू तो अभी कह रहा था कि पूरी जिंदगी मेरे साथ खेलेगा। हाँ तो अब मन नहीं कर रहा, नया टॉय आ गया, मैं तो इसके साथ खेलूंगा। तू जा। मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा। अबे जा। मैं नहीं जा रहा। अच्छा जेसी भी नया टॉय, ये बताओ तुम्हारे अंदर क्या क्या फीचर है, कितनी ताकत है? अबे मैं ना बहुत काम कर सकता हूँ, मैं एक जगह से मिट्टी उठा के दूसरी जगह रख सकता हूँ। वाओ मतलब तुम बहुत पावरफुल हो। अबे तू जानता भी नहीं है इतना पावरफुल हूँ मैं। फिर तो सही है, फिर तो मेरे को किसी बात का डर नहीं, किसी के खिलौने का डर नहीं। अब तो मैं तुम्हारे साथ ही खेलूंगा, ठीक है फ्रेंड्स? अरे फ्रेंड्स हाँ, लेकिन तुम मेरे साथ ही खेलियो। ये देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, न्यू कार। बुआ? ओ नई गाड़ी, थैंक यू बुआ जी। ठीक है बेटा तुम इसके साथ खेलो। आ जाओ साथ मिलके खेलते हैं। पहले उसको भगा, फिर तेरे साथ खेलूंगा मैं। ओ ऐसे कैसे भगा, मैं इसका खिलौना हूँ, ये मेरे साथ ही खेलेगा, ये तेरे साथ नहीं खेलेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना मैं तेरे साथ खेलूंगा, वो नया आया है, उसके साथ खेलना भी तो जरूरी है ना, उसका मन नहीं लगा तो। तू जा। मैं नहीं जा रहा। अबे जा। मैं नहीं जा रहा। देख ले। अबे जा। बड़ा हंस रहा था ना मुझ पे, अब हंसना। भाई मुझे माफ कर दे भाई, मैंने बता रहा हूँ ये ना बंदा ही खराब है, इसके पास कोई नया खिलौना आता है हम पुरानों को फेंक देते हमेशा। अरे वाह बुआ जी ने तो कमाल ही कर दिया, ब्रांड न्यू कार, वाह मस्त गाड़ी दिख रही है। वैसे भी जेसीबी का क्या करता, कार में घूमूंगा। वैसे कितने की स्पीड पे भाग लेती हो तुम? भाई 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता हूँ मैं। किलोमीटर वो तो 20 भी नहीं चलती थी। ठीक है तो फिर मैं अब पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ खेलूंगा। भाई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ना ऐसी होती है, गरीब घर में जाते अच्छे से रहते, बिल्कुल चैन से सो रहे होते। हाँ भाई तू सही कह रहा है, हम दोनों खेला करेंगे। ठीक है ओके डन। ये कम ऑन कम ऑन जेसीबी और लैंड क्रूजर, कम ऑन एक मुक्का देखो चलो देखो। हाँ देखेंगे कौन जीतेगा। अबे जेसीबी इतना भी कम नहीं है क्या? मार मार। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? अब तो कितने साल हो गए ना हम लोग आपस में साथ मिलकर नहीं खेले। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे साथ खेले हुए मुझे बहुत साल हो गए, और ना ही अब मैं कभी खेल पाऊंगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा कि खिलौनों के साथ खेलूंगा। हाँ तुम तो बड़े हो गए हो, अब क्यों ही खेलोगे हमारे साथ? अरे तुम सब उदास क्यों हो रहे हो, तुम्हारे साथ भी खेलेगा ना। खेलेगा? हाँ लेकिन कौन? अरे मेरा होने वाला बच्चा। तुम्हारा बच्चा वो कहाँ है? अरे यार शादी तो होने दो, फिर बच्चा भी हो जाएगा। अच्छा यार बिड़ो तू भी ना।